तो बहुत प्रॉब्लम्स आई थी इसीलिए वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्जैक्टली exactly ये चीज़ होती क्यों है कैसे होती है और ये चीजें काफी लोगों के साथ होती है जो न्यू सेलर होते हैं तो उनके साथ तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस होती है बट काफी सारे ओल्ड सेलर्स भी मिस्टेक कर लेते हैं बिकॉज अमेजोन और बाकी जो भी पोर्टल्स है काफी काफी डिफरेंस है इन दोनों में अमेजोन बहुत स्ट्रिक्ट है उनकी पॉलिसीज को लेकर और कितनी बार वो वार्निंग नहीं, 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 नहीं था या सस्पेंड कर देता है सो अभी बात करते हैं एक्जैक्टली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पहले अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है कहाँ से होता है तो सबसे पहले कुछ रीजन जो मैंने आइडेंटिफाई किए थे जहां

वार्निंग आने के बाद भी वो समझते नहीं है और वो करते ही रहते हैं एंड दैट एक्चुअली लीड्स टू सस्पेंशन ऑफ योर अकाउंट द सेकेंड थिंग आई हैव आइडेंटिफाइड आपका अकाउंट क्यों सस्पेंड होता है वो होता है कि आपने किसी के अंदर मैपिंग कर ली अब ये बहुत ही बीन नो बिगनर और बे, बेसिक थिंग काफी बार सीजन सेलर्स भी ये चीजें कर लेते हैं बिकॉज उनको यू नो उनकी मटेरियल बिकता नहीं होता है और ये सोचते किसी के तो मैपिंग करके दे विल जस्ट गेट गोइंग सो मैपिंग करना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भी अमेजान पे जैसे आपने मैपिंग कर ली दो तीन यू नो सेलर्स एक्चुअली यू नो कंप्लेन कर रहे थे अगर एक बार दो बार तीन बार आपको कंप्लेन आ गई या नंबर ऑफ़ एजेंट्स पर आपको आ गई अचानक से आपका अकाउंट आप देखोगे सस्पेंड होने का वार्निंग आ जाएगा और कितनी बार डायरेक्टली सस्पेंड किया जाता है अगर आपने रिपीटेड कर लिया वेरी 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 बिग मस्टेक मत कीजिए मैपिंग अगर आपको सेल करना है जस्ट सेल इट लाइक ऑथेंटिकली एंड प्रॉपरली दर्ड रीजन दैट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन रिलेटेड अकाउंट्स कितनी बार यू नो ये बहुत रैम्पिड एक्टिविटी हो रही है इंडिया में जहाँ पे काफ़ी सेलर्स स्पेशली यू नो गुजरात डेली एंड अदर प्लेसेज पे मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं एक सेलर कम से कम पाँच दस पंद्रह बीस अकाउंट यू नो बना के रखता है एंड जनरली ये बनाते हैं इसीलिए है ताकि उनको लगता है कि अगर हम दो तीन अकाउंट से सेम प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो हमारे बहुत सारे लिस्टिंग्स क्रिएट हो जाएगी पेज वन पे हम करेंगे एंड बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएगी इसका मुझे पास कोई एविडेंस तो नहीं है बिकॉज जितना मैंने देखा है एक एक अकाउंट से भी हम सी, तीन से चार से पाँच करोड़ की सेल कर सकते हैं पर मंथ विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम सो वी डोंट नीड मल्टीपल अकाउंट्स नाउ इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि रिलेटेड अकाउंट करके कुछ एक टर्म होता है जो अमेजोन यूज़ करता है अब इमेजिन करो अगर आपके पास एक अमेजॉन का सेल सेंटर अकाउंट है आपके फ्रेंड का भी एक अमेजॉन सेल सेंटर का अकाउंट है जो वो उनके पी सी ऑपरेट करता है आप आपके पी सी ऑपरेट करते हो आप गए आपकी सेल यू नो फ्रेंड के यू नो घर पर और आपने आपका सेल सेंटर लॉग इन कर लिया उनके इंटरनेट से या तो उनके लैपटॉप से स्पेसिफिकली तो प्रॉब्लम हो जाती है कि अमेजोन को लगता है कि आप एक नहीं दो अकाउंट चला रहे हो एंड उसको बोलते हैं रिलेटेड अकाउंट इशू तो अमेजन ऑटोमेटिकली दोनों अकाउंट सस्पेंड कर देगा इन टाइम अगर उन्होंने बॉट ने डिटेक्ट कर लिया और बहुत फ्रीक्वेंटली वो डिटेक्ट कर लेता है इसीलिए आपको एकदम ध्यान रखना है जब भी आप अमेज़न सर्विस सेंटर अकाउंट यू नो कि लॉग इन कर रहे हो वहाँ पर दूसरा कोई भी अमेज़न सर्विस सेंटर लॉग इन नहीं होना चाहिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ द थिंग राइट तो ये कुछ चीज़ें होती है ऑफकोर्स रिटर्न रिटर्न की वजह से इतना इश्यू नहीं आता है बट येस yes, ये ये मेजोरिटी ऑफ द इशू होता है क्यों आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है या हो जाएगा अब हम बात करते हैं एक्जैक्टली exactly इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखो दो चीज़ें होती है इसमें एक सॉल्व करने के लिए होता है एक पी देना पड़ेगा आपको बट जिस प्लान ऑफ एक्शन ऑन अमेजोन अब प्लान ऑफ एक्शन कंपलसरी नहीं है कि वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपका सॉल्व हो जाए कितनी बार ये होता है कि प्लान ऑफ एक्शन की कोई सर्टेनिटी नहीं होती है बिकॉज यू नो एमेज़ोन पर प्लान ऑफ एक्शन अप्रूव करते हैं वो काफ़ी लोग अलग होते हैं और काफ़ी डिसीजन uh, जो होते हैं वो बेस्ड ऑन आपकी आपने क्या लिखा है और वो जो पर्सन क्या समझा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर आदमी की अंडरस्टैंडिंग सेम नहीं होती हर आदमी वो नहीं समझ सकता जो आपने लिखा है और वो उसको क्या लग रहा है वो सही कि गलत तो बहुत सारी चीज़ें इंटीट्यूब भी होती है उस चीज़ पर और बहुत चीज़ें ह्यूमन टू ह्यूमन यू नो डिपेंड करती है सो बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन वर्क ऐसे करता है आपको एक प्लान ऑफ एक्शन देना पड़ता है कि अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है उसकी वजह से उनका तीन चार चीज़ें आपको मैंशन करनी होती है रूट कॉज क्या था मतलब क्यों ये अकाउंट सस्पेंड हुआ है ये ऐसा हुआ क्यों पहली बात और आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे या क्या स्टेप्स लिए आपने ताकि ये चीज़ वापस कभी अकर नहीं हो पाए या, या वापस कभी नहीं होगा एग्जांपल आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया बिकॉज आपने ऑर्डर्स टाइम पे फुलफिल नहीं किए तो आपका रूट कॉज क्या था या एक्चुअली हुआ क्यों रूट कॉज ये था कि आपने शायद यू नो कोई नया पर्सन हायर किया था और वो प्रोसेस करना भूल गया ऑर्डर का एग्जाम्पल सेकेंड चीज़ हो सकती है कि ये हुआ क्यों आप बताओगे कि इस वजह से हुआ कि मेरे में मेरे सिस्टम्स में मैंने यू नो ट्रेन नहीं किया था एक्स वाई जेड जो भी हो एंड लास्ट कि नेक्स्ट टाइम से मैं एक सिस्टम बनाने वाला हूँ जिसके लिए मैं एक्स वाई जेड डी बी करूँगा ताकि कभी ये चीज़ वापस नहीं आऊँ तो ये प्लान ऑफ एक्शन एक्सेप्ट होना चांसेस श्योर नहीं होती है बट प्लान ऑफ एक्शन आपको बताऊंगा एक्जैक्टली exactly कैसे बनाना इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा आपके हिसाब से बट मैं आपको एक फ्रेमवर्क और एक मेथड बता दूंगा जो इससे आप ए के थ्रू बना सकते हो तो प्लान ऑफ एक्शन एक बार आपने सबमिट किया और दूसरी बार आप वापस सबमिट करने जाते हो तो आपको समझना है जब जैसे आपने प्लान ऑफ एक्शन भेजा आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा एटलीस्ट सिक्स सेवन डेज और दूसरा प्लान ऑफ एक्शन भेजने के पहले दस बार सोचो कि प्लान ऑफ प्लान ऑफ एक्शन में वन क्या था क्यों वो रिजेक्ट हुआ और फिर टू अकॉर्डिंगली लो uh, मेरी uh, मेरी तरफ से तो हमेशा आपको ये ना सलाह देगी डोंट गो एंड डू ड लोन हमेशा एक प्रोफेशनल सर्विस लो ताकि यू नो बिकॉज ये अकाउंट के अंदर पी आप सबमिट बार बार नहीं कर सकते दो या तीन के बाद अमेजॉन आपको रिप्लाई करना बंद कर लेगा फिर आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है फिर वापस आप कुछ नहीं कर सकते है उसको सो मेक श्योर एक बार रिजेक्ट हो गया देन टेक सम प्रोफेशनल हेल्प पहले का स्टडी करो क्या प्रॉब्लम थी क्यों नहीं एक्सेप्ट हुआ है और फिर दूसरा बनाओ अब अगर आपका अकाउंट आपने पी ओ सबमिट करने के बाद भी दो तीन बार नहीं हो रहा है एक्टिवेट सो so, मैं आपको बताऊंगा एक दो महीने के बाद ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है आई वुड से लाइक छोड़ दो वो चीज़ बिकॉज बहुत डिफिकल्ट है फिर आपका अकाउंट वापस री होना जितना डिले होगा उतना डिफ़िकल्ट होते जाता है यू नो आपका री होना इन दैट केस आपको एक नया अकाउंट बनाना चाहिए और बहुत केयरफुली बनाना है जब नया अकाउंट बनाओगे नया लैपटॉप नया इंटरनेट एंड नया जी एस नंबर होना चाहिए जी नंबर सेम होगा तो भी चलेगा बट एड्रेस चेंज होना चाहिए सो एड्रेस यू नो लैपटॉप एंड मोबाइल एंड इंटरनेट ये तीनों चीज़ें अलग होनी चाहिए जो आपने पहले कभी यूज नहीं की हो अमेजोन के लिए एंड देन यू कैन डू इट एंड यू कैन लाइक स्टार्ट अ न्यू अकाउंट मैंने किया हुआ है ये एंड हेंस आई एम टेलिंग यू नहीं होगा दो तीन अटैंड के बाद देन डोंट डू इट बिकॉज इट्स नॉट इन योर हैंड अब मैं आपको बता दूँ एक्जैक्टली पी ओ ए बनाते कैसे यूजिंग चार्ट जी पी डे आई सो दैट यू कैन क्रिएट यू नो अमेजिंग पी ओ एट इज़ प्लान ऑफ एक्शन फॉर योर अकाउंट एंड गेट योर अकाउंट री इंस्टेटेड एंड स्टार्ट सेलिंग ऑन

सो चाटी पीटी एंड आई हे यूज दिस प्रॉम्स बेसिकली मैंने एक नया प्रॉम्प्ट दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो जस्ट वाइड माई स्क्रीन फॉर यू गाइज एंड वी एर प्लान ऑफ एक्शन टूगेदर ओवर योर राइट सो प्लीज क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर अकाउंट री इंस्टेटमेंट टू एमेजोन टीम प्लीज कंसिडर द बिलो सिशन एक्सैक्टली यही प्रॉम्प्ट दिया है मैंने माई अकाउंट बिकॉज आई एम अनोइंगली मैप टू सेलर लिस्टिंग एंड सोल्ड अंडर हिस्सिंग विदाउट ऑथराइजेशन तो ये हमारा इश्यू है मेक श्योर यू क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन एज इफ यू आर द सेलर हम बता रहे कि तुम सेलर हो उस हिसाब से बनाए and include these aspects acknowledge the problem amazon always loves that first you acknowledge the problem yes that is your mistake so acknowledge the problem then follow the below pointers to be there why did this issue happen like but you know explain why did this happen second steps we are taking to eliminate this issue so that you know it should not happen again and we want more detailed and action oriented steps and third how are we going to make sure that this won't happen boom amazon कि री इंस्टेटमेंट रेडी हो गई आपके पास यू हैव टू रीड इट थ्रू करेक्टली बट इट्स वेटी मच गुड राइट आई एम राइटिंग टू एड्रेस रीसेंट सस्पेंशन ऑफ माई सेंट्रल अकाउंट एक्नोलेज द प्रॉब्लम

डिपेंड करता है कि आपका प्रॉम्प्ट कितना पावरफुल है जितना पावरफुल ये प्रॉम्प्ट रहेगा उतना ही पावरफुल आपका पीओ बनेगा सो so, यहां पर तो मैंने काफी अच्छा बनाया बट आपकी पास जो रियल इशू होगा जब आपको amazon से मैसेज आएगा आपको उसको बहुत डिटेल में लिखना है कि uh, you know, क्या प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली exactly क्यों आपने किया और फिर आपको इसकी ए आई हेल्प लेके आप इसको बहुत ही बेटर बना सकते हो ताकि यू नो एमेजॉन आपको डेफिनेटली अप्रूव कर ले फॉर एग्जाम्पल वो यूर राइट यहाँ पे स्टेप्स है वो कितने बढ़िया है यहाँ पे लिखा हुआ है इमीजिएट नो यू नो सजेशन ऑफ अनऑथोराइज सेलिंग यहाँ पे बता रहे कि जैसे uh, मुझे यू you नो know, हम लोग क्या करेंगे इज लाइक like हम लोग पूरी इन्वेंट्री को चेक करेंगे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं जो अनऑथोराइज कर लिस्टिंग पे बेच रहा है पहले हम निवो करेंगे फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे रूट कॉज पे ये करेंगे डिटेल ऑडिट करेंगे अकाउंट के अंदर exactly, uh, you know, क्यू हुआ फिर हम लग, सारी देख सकते हो लाइक लिटरली बहुत ही स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही एक्यूरेट बताई हुई है स्टार्ट री योर अकाउंट ऑलराइट दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो आई सी यू द नेक्स्ट एंड टेक केयर